हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज भाई हम लोग आरओजी फाइव पर एचडीआर एक्सट्रीम का टेस्ट करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा, अगर चैनल पर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट और हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं अपने चैनल पर। बाकी दोस्तों, आरओजी फाइव पर एचडीआर एक्सट्रीम पर मेरा जो गेम प्ले था वो अनएक्सपेक्टेड था। एंड गाइज, अगर आपको जानना है एचडीआर एक्सट्रीम पर इसकी बैटरी और फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह होते हैं कि नहीं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर नहीं देखोगे तो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट आप मिस कर दोगे। ओके, यहाँ से आप गेम प्ले को एंजॉय करिए। नीचे अंदर नीचे अंदर मैं पहले इसलिए घुसा, किसने दिया? लोकेशन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ Watch तो बंदे out! हैं। Watch out! लो, डर दिया मेरे को पीछे से, बोला मैं पीछे से। सोलो बंदा है पीछे पीछे, सोलो बंदा है। मैं पत गया पत गया पत गया पत गया पत गया भाई, छोड़ना मत, जो भी है छोड़ना मत। एचपी देखो एचपी देखो एचपी देखो, है ही नहीं। वॉच आउट, भाई मैं गया इस पर, कुछ फायदा नहीं। अरे वॉच आउट वॉच आउट, अबे ये गन मिल गई गन मिल गई। अरे पड़ी है वो, वॉच आउट। नी
need ammo. बढ़िया. Watch out. नहीं 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 ये दरवाजे पे खड़ा है. Watch out. Hey, man. Enemy spotted. For real this time. अच्छा अच्छा उधर पे हो. Form up on me. पूरे अंदर तीन दिन बैठे हुए हैं. फॉल बैक टू सेफ जोन. रिकॉल मारो रिकॉल. तो भाइयों अब बात कर लेते हैं फाइनल कॉन्क्लूजन की कि आरओजी 5 एसडीआर एक्सट्रीम पर किस तरह से परफॉर्म कर रहा था. जो मैंने एक्सपीरियंस किया आप लोग भी देख रहे होंगे. अगर आप वीडियो को दोबारा भी जाके देख सकते हो. बाकी मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, वो हॉट ड्रॉप वगैरह पे अगर आप जब हॉट ड्रॉप करते हो तो वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप होते हैं 55 टू कभी कभी 50 भी जा रहा था. आप देखोगे मिल्टा वगैरह का दोबारा अगर आप वीडियो रिपीट करते हो. एंड दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, एचडीआर एक्सट्रीम पर आरओजी 5 पर एक घंटे की गेम प्ले के बाद ये हीट भी होने लगा था. मैंने जो मैक्सिमम टेम्परेचर नोटिस किया वो 40 डिग्री से 44 डिग्री तक गया. बट हाँ, अगर हम गेम प्ले होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कूल डाउन होने लगता है. तो भाइयों इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा बस एक ही बात कहना रहेगा, मेरे पास रियलमी X3 था जो कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस पे आता था. उसमें मेरा जो स्मूथ है और एक्सट्रीम पे जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस है वो भी इतना अच्छा नहीं था जितना कि आरओजी 5 में 1 से 1.5 घंटे मैंने गेम प्ले किया एंड रिकॉर्ड भी कर रहा था साथ साथ. सो मेरे को मुझे लगा ही नहीं कि इसमें फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह भी हो रहे हैं. यार यकीन मानो किसी भी एंड्रॉयड में इससे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता मिलने वाला है आपको. और यकीन मानो 1.5 से 2 घंटे मुझे पता ही नहीं लगा कब मैंने इसमें एचडीआर एक्सट्रीम पे खेला. मुझे लगा मैं नॉर्मली हम लोग जो स्मूथ एक्सट्रीम खेलते हैं वैसे खेल रहे थे. सो बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये रिव्यू एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी वो पॉइंट आउट करना, वीडियो को दोबारा देखना. मेरी किसी बातों से आपको लगा कि डाउट मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ तो वो भी भाई आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो. एंड अगर आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो लाइव स्ट्रीम हमारी डेली होती है, आप स्ट्रीम पर भी आके साथ में चैट करके और डिस्कस कर सकते हो. बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. बाकी गाइस मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 90 FPS टेस्टिंग पे होगा आरओजी 5 के साथ जो कि मोस्ट वांटेड है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.